हिमाचल प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। लंबे समय से प्रदेश का युवा इंतजार कर रहा था नई भर्तियों को लेकर, तो अब आने वाले समय में भर्तियों का रास्ता खुल गया है। आपको इस पर भी विस्तार से अपडेट देंगे। और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विशेष सहायता पैकेज की घोषणा की है। इस पर आपदा प्रभावितों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। क्या ये राहत पैकेज रहेगा, कैसे इस पैकेज से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग तबकों को राहत मिलेगी, विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन जरूर गुजारिश रहेगी तमाम सभी दर्शकों से कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फिलहाल शुरुआत करते हैं आपदा विशेष राहत पैकेज को लेकर हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हाल ही में भारी बारिश के कारण प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार का खजाना खोलते हुए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत मुआवजा राशि में 25 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है और आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार कुल मिलाकर 4500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसमें से 750 करोड़ रुपए विशेष राहत पैकेज तथा 1000 करोड़ रुपए मनरेगा के तहत खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आज प्रेस वार्ता की और इस दौरान खुलासा किया कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर के लिए मिलने वाले 1,30,000 रुपए के मुआवजे को 5.5 गुना बढ़ाकर 7,00,000 रुपए कर दिया गया है। और इसी के साथ राज्य में आपदा के कारण 3500 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और इसके अतिरिक्त कच्चे घर को आंशिक नुकसान पर 4,000 रुपए मुआवजे को 25 गुना बढ़ाकर सरकार ने 1,00,000 रुपए, जबकि पक्के घर को आंशिक नुकसान पर मिलने वाली 6,500 रुपए की धनराशि को 15.5 गुना बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में 6,930 कच्चे घरों और 5,549 पक्के घरों को आंशिक नुकसान इस आपदा से हुआ है। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि दुकान या ढाबे को नुकसान होने पर मिलने वाले 25,000 रुपए के मुआवजे को 4 गुना बढ़ाकर 1,00,000 रुपए किया गया है। और इसके साथ ही गौशाला को नुकसान पर 3,000 रुपए के स्थान पर राज्य सरकार 50,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। और आपदा के कारण राज्य में 670 दुकानें व ढाबों के साथ 8,300 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई है। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि किराएदार के सामान को नुकसान होने पर मिलने वाले 2,500 रुपए के मुआवजे में 20 गुना वृद्धि करते हुए राज्य सरकार उन्हें 50,000 रुपए की मदद देगी। और इसके साथ ही ऐसे प्रभावितों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 1,909 है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपदा में कृषि एवं बागवानी क्षेत्र को भी भारी क्षति पहुंची है और कृषि एवं बागवानी योग्य भूमि को नुकसान पर पूर्व प्रदत्त 3,615 रुपए प्रति बीघा मुआवजे को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। और इसके साथ ही फसल के नुकसान पर मिलने वाले 500 रुपए प्रति बीघा मुआवजे को 8 गुना बढ़ाकर 4,000 रुपए सरकार की ओर से कर दिया गया है। और इसके साथ ही कृषि व बागवानी भूमि से सिल्ट निकालने के लिए आर्थिक सहायता 1,384.61 रुपए प्रति बीघा से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई है। और इस दौरान आपदा के कारण हुई तबाही से प्रदेश में 37,899 बीघा कृषि भूमि, 17,947 बीघा बागवानी भूमि को नुकसान हुआ है, जबकि 26,490 बीघा पर फसल को क्षति पहुंची है। वहीं 42 बीघा में सिल्ट के कारण कृषि व बागवानी योग्य भूमि को नुकसान पहुंचा है। और सीएम ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि आपदा से पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में 2 बिस्वा जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा भूमि प्रदान करेगी। तो एक ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के उन प्रभावित परिवारों के लिए है जिनके पास अब घर बनाने के लिए ना तो जगह है ना ही जमीन है। और अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि आपदा से जितने भी परिवार प्रभावित हुए हैं और उनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनकी मदद सरकार करेगी और क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में 2 बिस्वा जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा भूमि प्रदान करेगी। और विशेष पैकेज के तहत इसमें ऐसे परिवार पात्र होंगे जिनकी मजदूर जो निम्न आय वर्ग से संबंध रखते हैं और इस आपदा से उनकी रिहायश क्षतिग्रस्त हुई है, उनके पुनर्निवास के लिए संबंधित जिलाधीश उपयुक्त भूमि का चयन कर उन्हें संबंधित नगर निगम के सहयोग से पुनर्स्थापित करेंगे। यह सरकार ने आज फैसला लिया है। और मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि जिनके घर आपदा से पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं तथा नए घर बनाएंगे, ऐसे परिवारों को बिजली पानी के कनेक्शन सुविधा का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और इन परिवारों को मकान बनाने के लिए सीमेंट भी सरकारी दरों पर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो फिलहाल अगली खबरों की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के युवा वर्ग के लिए एक अच्छी खबर आज सामने आई है। सरकार ने प्रदेश में नया राज्य चयन आयोग गठित कर दिया है। इसकी अधिसूचना सरकार की ओर से आज जारी कर दी गई है। तो प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए यह बड़ी खुशखबरी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के युवा वर्ग काफी लंबे समय से
इसका इंतजार कर रहे थे। और इसी लंबे इंतजार के बाद आज राज्य सरकार ने नए राज्य चयन आयोग का गठन कर दिया है, इसकी लिखित अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश भर के लाखों युवाओं के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है और अब जल्द ही हिमाचल प्रदेश में शिक्षक, गैर शिक्षक व क्लर्क की भर्तियां हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्लास 3 की जो भर्तियां काफी लंबे समय से लटकी हुई थी, उन भर्तियों को अब शुरू किया जाएगा, क्योंकि आयोग के गठन के बाद भर्तियों का रास्ता खुल चुका है। हमीरपुर में ही नए राज्य चयन आयोग का हेडक्वार्टर होगा, यानी कि मेनली जो है वो हमीरपुर में ही नया राज्य चयन आयोग काम करेगा, वहां पर ही तमाम जो स्टाफ है वो तैनात किया जाएगा। इससे पहले 21 फरवरी को सरकार संभालते ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस तरह से हमीरपुर चयन आयोग में परीक्षाओं को लेकर धांधलियां नजर आई, धांधलियां सामने आई, खुलासे बड़े बड़े हुए, उसके बाद 21 फरवरी को हमीरपुर चयन आयोग को भंग कर दिया था। और उसके बाद से हिमाचल प्रदेश के युवा इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब नए चयन आयोग का गठन होता है और सरकार इसमें भर्तियां शुरू करती है। तो फिलहाल नए चयन आयोग का गठन हो चुका है और हमीरपुर में इसका हेडक्वार्टर होगा। किस तरह से ये आयोग काम करेगा ये हम आपको बताते हैं। मेरिट के आधार पर सबसे योग्य उम्मीदवारों का चयन, मजबूत भर्ती प्रक्रिया को ये आयोग सुनिश्चित करेगा। ये सरकार की ओर से जो आदेश जारी हुए हैं उन आदेशों में इन सभी बिंदुओं पर फोकस किया गया है, जिसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि मेरिट के आधार पर सबसे योग्य उम्मीदवार का चयन, मजबूत भर्ती प्रक्रिया ये आयोग सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा बेहतर तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाना भी इस आयोग का काम होगा। सभी भर्ती गतिविधियों में निष्पक्षता के उच्च मानकों का पालन करना भी इसी आयोग का उद्देश्य होगा। और सरकारी भर्ती प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बढ़ाना इसी आयोग का एक मकसद होगा। और बेहतर प्रतिभा समर्पित व्यक्तियों को भर्ती कर सरकारी कार्य में समग्र दक्षता व प्रभाव बढ़ाना इसी आयोग का उद्देश्य यहाँ पर जो है वो निर्धारित किया गया है। और इसके अलावा नए राज्य चयन आयोग के कार्य आपको बताते हैं। सभी क्लास 3 पदों प्रारंभिक नियुक्ति के लिए सिफारिशें देना इसी आयोग का काम होगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विभागों में क्लास 3 की सभी भर्तियां इसी आयोग के माध्यम से होगी। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी सिस्टम से इस आयोग में भर्तियां होगी, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। शानन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कंप्यूटराइज एग्जाम बच्चों के होंगे ताकि किसी भी तरह की कोई भ्रष्टाचार व पेपर लीक करने का मामला सामने ना आए। और इसके अलावा इस आयोग में जिन भर्तियों को नहीं किया जाएगा उसमें हिमाचल हाईकोर्ट, हिमाचल विधानसभा और हिमाचल लोक सेवा आयोग में पदों को छोड़कर और भी ऐसे कई भर्तियां हैं जो कि आयोग नहीं करेगा। और समय समय पर राज्य सरकार द्वारा आयोग के परिधि से ये क्योंकि भर्तियां निकाली जाती है। और इसके अलावा 50% पद जिनकी भर्ती बैचवाइज आधारित तरीके से की जाती है, तो बैचवाइज भर्तियां भी इस आयोग के माध्यम से नहीं करवाई जाएगी। पीडब्ल्यूडी में सर्वेयर के पद इस आयोग के माध्यम से नहीं भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में जूनियर बेसिक ट्रेन टीचर की भर्ती भी इस आयोग के माध्यम से नहीं की जाएगी, केवल मेरिट एवं बैचवाइज जो है वो इसके आधार पर की जाएगी। और इसके अलावा नए राज्य चयन आयोग का कार्य सार्वजनिक उपक्रमों यानी कि बोर्ड, निगमों, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकायों में प्रारंभिक नियुक्ति के लिए सिफारिशें एवं प्रबंधन व नियमों एवं विधियों का पालन करवाना होगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा अन्य कार्य भी समय समय पर आयोग को सौंपे जाएंगे और आयोग का मुख्यालय हमीरपुर में होगा। आयोग की संरचना, संगठनात्मक ढांचा, स्टाफ, पैटर्न, बजटिंग, वित्तीय शक्तियां और भर्ती प्रक्रिया आदि को अलग अलग अधिसूचित इसमें किया जाएगा। कार्मिक विभाग के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा और यदि ऊपर दिए गए प्रावधानों के तहत, यानी कि जो हमने आपको बताया, अगर इन प्रावधानों के तहत कोई सवाल उत्पन्न होता है तो राज्य सरकार का कार्मिक विभाग इस पर अंतिम फैसला लेगा। और फिलहाल इस अधिसूचना को ई गैजेट में भी जल्द प्रकाशित किया जाएगा। और उसके बाद आप सोचिए कि उसके बाद हिमाचल प्रदेश में गठित किया गया नया राज्य चयन आयोग काम करना शुरू कर देगा। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए एक ये अच्छी खबर है। प्रदेश के नए राज्य चयन आयोग को लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। क्लास 3 की सभी भर्तियां इस नए राज्य चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल का आज दूसरा दिन था और जिला परिषद के कर्मी हिमाचल प्रदेश ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग में शामिल करने और नियमित करने की मांग लगातार सरकार से कर रहे हैं। कर्मचारियों के तर्ज पर वित्तीय लाभ देने की भी मांग कर रहे हैं और लंबे समय से पंचायती राज विभाग में विलय की मांग भी जिला परिषद कैडर के ये कर्मचारी सरकार से कर रहे हैं। पूर्व सरकार के कार्यकाल से इन कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हुई है और अब सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के 1800 कोविड वॉरियर्स को सेवा विस्तार अभी तक नहीं मिल पाया है और अभी तक इन कर्मचारियों को इंतजार था कि सरकार जो है वो देर शाम ही सही, लेकिन उनकी नौकरियों को लेकर यानी कि सेवा विस्तार को लेकर अधिसूचना
अधिसूचना जारी करेगी, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड वॉरियर्स के सेवा विस्तार को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है और ऐसे में 1800 कोविड वॉरियर्स की नौकरी अब फिलहाल खतरे में है और अब इंतजार है कि कब नोटिफिकेशन आती है सरकार की ओर से, कब राहत दी जाती है। और अगर आज की भी बात करें तो कोविड वॉरियर्स यानी कि अस्पतालों में कार्य करने वाले कर्मचारी आज भी अपनी सेवाएं उन्होंने अस्पतालों में दी है। अब उन्हें ये डर है कि अब सोमवार से वो काम पर आए या फिर क्या करें, हालांकि उम्मीद जरूर है कि ये सरकार उनकी जरूर सुनेगी। और इसी के साथ कोविड वॉरियर्स के इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने फिर सरकार को घेरा है, आरोप लगाया है कि 6 माह से कोविड वॉरियर्स को सरकार की ओर से वेतन नहीं दिया गया है और ना ही सेवा विस्तार उन्हें मिला है। विधानसभा में भी कोविड वॉरियर्स का मामला गूंजा था, स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया था कि इनके एक्सटेंशन पर सरकार विचार कर रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि कोविड वॉरियर्स की नौकरी बचती है या फिर वो बेरोजगार ही रहते हैं। इसी के साथ कंप्यूटर में एसएमसी शिक्षकों की नीति बनाने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है। सरकार ने 3 कैबिनेट मंत्रियों को कार्य सौंपा है, जिसमें रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति की बैठक होगी और कमेटी में अनिरुद्ध सिंह व विक्रमादित्य सिंह भी सदस्य बनाए गए हैं। और अब एसएमसी व आउटसोर्स पर लगे कंप्यूटर शिक्षकों को बड़ी राहत सरकार दे सकती है। आपको बता दें तो 1300 कंप्यूटर शिक्षक व 2555 एसएमसी शिक्षक सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। 15 व 20 सालों से ये शिक्षक पॉलिसी के इंतजार में है।